हेलो फ्रेंड्स, एचएसएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेबीटी और एचसेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथ ही दोस्तों, न्यू सीटी के कैंडिडेट भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आप जेबीटी या एचसेट या न्यू सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेगी सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए और ऑल सब्जेक्ट की सीरीज आपको मिलती है। तो दोस्तों, कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2^3 = 1/8^x-4 हो तो x का मान है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आपको बेस सेम करना होता है। जैसे कि 2^2x-3 है, इधर यहाँ पे अपॉन में है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 8^x-4 है ना, इसके आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि आपको पता है 1/x का स्क्वायर जैसे ही होता है, इसको हम सीधा लिखते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है। 1/x होता है तो x^-1 आ जाती है। x/1/x^3 होती है तो इसको हम लिखते हैं x^-3, इसलिए माइनस आगे लग जाता है। तो 2^2x-3 = और यहाँ पे देखिए 8 को हम 2 की फॉर्म में लिखते हैं तो 2^3 होता है और आगे क्या है, इनटू में -x-4। देखिए 2^2x-3 = 2^3, ये 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें सब में, ये माइनस है, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -3 की x के साथ -3x और फिर -3 की 4 के साथ तो प्लस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बेस सेम है और यहाँ पे देखिए आप क्या है, 2x-3 और यहाँ पे -3x + 12, तो ये इक्वल रख देंगे इसको हम, 2x-3 इक्वल रख देंगे -3x + 12 के। अगर बेस सेम है और ये आपस में इक्वल है तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2x-3 इधर आगे प्लस का प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 12, ये -3 इधर +3 हो जाएंगे, 2x, 3x, 5x = 15, x = 15/5, कट के 3 रह जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a*b = a+b+ab, ये एक ऑपरेशन है जिसको हम ऐसे खोल सकते हैं, तो इनको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 8^7 इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 8+7+8 × 7 हो जाएगा, -5^6 को लिखेंगे तो 5+6+5 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, ज़्यादातर गलतियाँ एग्ज़ाम में क्या होती है, माइनस को हम सिर्फ 5 के साथ लगाते हैं, आगे माइनस को सा मल्टीप्लाई नहीं करते, जबकि ये माइनस है ना, पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको प्लस करेंगे जब, 8+7 = 56 -11+30 = 15+56 - यहाँ पे पूरा का पूरा 41 हो जाएगा, ये 71, ये -41 तो 0, 3, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93, यदि x+1/z = 1 है तथा x+1/y = 1 है तो xyz का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में यदि आप वैल्यू रख लो, एक बार आप एनालाइज करो क्वेश्चन को, अगर वैल्यू आप रख सको तो वैल्यू रखने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे, यदि हम वैल्यू रखें -1 और y की वैल्यू रख दें 1/2, तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक बार इस वाले ऑप्शन में x की वैल्यू आप -1 रखो, प्लस y की वैल्यू 1/2 रखा हमने, तो 1/2 क्या है, y अपॉन में है तो ऊपर 2 हो जाएगा इक्वल टू 1,
अब दो में से एक गया तो वन के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिर यहाँ पे देखिए आप, अगर वाई की वैल्यू आप रखते हो वन बाई टू, तो वाई की वैल्यू हमने क्या रखी, वन बाई टू। इस वाले ऑप्शन में वाई की वैल्यू रखी हमने वन बाई टू, प्लस जेड की वैल्यू अब रख ली हमने, जेड की वैल्यू रख दी टू, तो वन बाई टू हो जाएगा ये भी, जेड की वैल्यू में वन बाई टू इक्वल टू वन। देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हम ये वैल्यूज़ रख सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। अब हमने ये देखना है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन इंटू वाई की वैल्यू वन बाई टू इंटू जेड की वैल्यू टू, यहाँ से कट जाएगा और माइनस वन आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी संख्या के एक तिहाई के तीन बटे चार का एक बटे पाँच भाग 24 हो तो उस संख्या का 20% है। मान लीजिए हमने संख्या मान ली वो x इंटू, देखिए कईयों क्या होता है कि x मानने में बहुत दिक्कत होती है कि x मान के वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मत घबराएं, x मानने में कोई दिक्कत नहीं होती, आगे सोल्यूशन जो होगा वो बहुत आसान हो जाता है x मानकर। देखिए एक तिहाई, पहले तो इसको लिखो एक तिहाई इंटू में थ्री बाई फोर, फिर इसका का, जहाँ पे का के का ये लगता जाएगा तो मल्टीप्लाई करते जाओ उनको। अगर ये बोले कि इतने का, फिर उसके बाद जो शेष बचा है उसका, तो फिर आप उसको एक्स में से घटा के फिर उसका आगे वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी क्या ऐसी दा के का ऐसे है तो लगातार मल्टीप्लाई करते जाओ। थ्री बाई फोर इंटू वन बाई फाइव, भाग जो है वो 24 है, यानी कि जब ये आएगा तो ये 24 होगा। तो अभी देखिए एक्स को इधर रख लेते हैं, ये जो 24 है इन सभी को उस साइड लेके जाते हैं, तो साथ में क्या होगा, ये जो नीचे है डिवीजन में वो मल्टीप्लाई में जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवीज़न में चले जाएंगे, यानी कि 3 बाई 1 हो जाएगा इंटू 4 बाई 3 हो जाएगा इंटू 5 बाई 1 हो जाएगा। तो हम 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से, तो संख्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 4 जा 20, ये संख्या आ जाएगी। अभी देखिए आगे पूछा है इसका 20% कितना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी मल्टीप्लिकेशन करनी ही ज़रूरी है, वैसे तो 24 दुनी 48 480, यहाँ पे 24 दुनी 48 करके हम 480 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाए उसमें आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे 24 गुणा 20 है इतना ही है, इसका आपने 20% निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, 20 बाई 100 करेंगे, तो 20 से 5 पे कट जाएगा, 5 पे 4 पे कट जाएगा, और 24 4 जा 96 आंसर आ जाएगा थर्ड। तो 94 जो क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। वैसे अगर आपने जैसे कर लिया है इसको भी आप सीधा ही 20/100 करोगे, एक जोर से एक जोर यहाँ कैंसिल आउट, एक जोर से यहाँ कैंसिल आउट, 48 96 तब भी यही आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो दिक्कत आती है। एक देखिए एक गलती क्या होती है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं ना तो ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, इक्वल टू 24 कर देते हैं, लेकिन जो लिखित में एक तिहाई, पढ़ने में हम दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में तो हम कर लेंगे सोल्व, लेकिन जब लिखेंगे ना एक्स मान लेंगे इंटू में 3/4 से इंटू शुरुआत कर देते हैं हम इक्वल टू 24 ऐसे लिख के खड़े हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे गलत गड़बड़ हो जाती है। इसको भी आप साथ लेके चलो स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 95th क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 8 raised to the power 10, 9 raised to the power 7, 7 raised to the power 8 के रूप में है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रखी है, तो 8 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं, ये इंटू में 10 हो जाएगा, इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 raised to the power 2, इंटू 7 हो जाएगा, और 7 को दोस्तों हम नहीं लिख सकते तो ऐसे कैसे लिखें, क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, प्राइम है। तो देखिए 2 raised to the power ये 30 हो गया, इंटू 3 raised to the power 7 2 14, इंटू 7 raised to the power 8। अब इनको अगर आप प्लस करके देखो तो कितना आता है, जो इनकी पावर्स है पावर्स को जोड़ दो, 30 + 14 + 8 44 + 8 52। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे करना है, 52 राइट आंसर हो जाएगा 95th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
12, 15, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि विभाजित होने वाली, जहाँ पूछे आपसे सबसे छोटी विभाज, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी, यानी कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर सकती है, तो उसमें एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे आप, 12, 15 और 18। सबसे पहले आप देखिए 12, 15 और 18 तीन से सारी की सारी विभाजित हो सकती है, तो तीन से कर लो, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन छीके 18। अब 5 प्राइम आ गया, दो पे कर लो आप 2, 5, 3। अब यहाँ भी प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है, अभाज्य संख्याएँ आनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या नहीं आती तो आप फर्दर इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 5 × 15 = 30, 30 × 60 और 60 × 180 आ जाता है। लेकिन 180 एलसीएम तो ज़रूर है। अब इसने एक कंडीशन रखी है कि जो छोटी पूर्ण वर्ग, वो साथ में परफेक्ट स्क्वेयर भी होनी चाहिए। अब 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। अगर आपने एलसीएम निकालनी है 180 और ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो फर्दर क्या करोगे, इसका 180 का डबल कर दो आप, 360। अब इसको देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है, नहीं। 3 गुणा कर दो, 18 × 3 = 54, 540। क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है, नहीं। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 720। क्या ये है, नहीं। 5 से करो, 18 × 5 = 90। क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर है, हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 11² + 12² + 13² + 　 = 20² का मान। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि जब स्क्वेयर्स जो आपको दिए जाते हैं, तो उनका जो सम है वो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 1/6 × (n) × (n+1) × (2n+1)। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, देखिए ये फॉर्मूला तब होता है जब 1, 2 हम शुरू करते हैं, 1 से लेकर 10 तक का पूछ लिया, 1 से 20 तक का पूछ लिया, रेगुलर जो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, उनके लिए होता है ये। लेकिन अब यहाँ पे 11 से शुरू कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से हम 20 निकाल लेंगे, और फिर 1 से हम 10 निकाल लेंगे, और 20 वालों में से 10 हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 से 20 का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, 1/6 × (n) क्या है, यहाँ पे 20 रखेंगे, (n+1) 21 हो जाएगा, (2n+1) 20 × 40 और 1 = 41। अब देखिए दोस्तों, इसको आप जब डिवाइड करोगे 2 पे 3, 2 पे 10, 3 पे ये 7 हो जाएगा। दस सते 70 हो जाएगा, (n)² = 41 हो जाएगा। 7 × 7 = 7, 7×4 = ये हो जाएगा 2870। फिर देखिए आप 1 से 10 का निकाल लो आप, 1 से 10 में क्या होगा, 1/6 × (10) × (11) × (10×20 और 1 = 21। 6 पे 2 पे निकालो, 2 3 = 2, 5 × 3 = 7, 11 × 5 यहाँ पे 55 हो जाएगा, (n)² = 7 है, 7×5 = 35, ये हो जाएगा 385। अब क्या करना था हमें, 1 से 20 वाले में से 1 से 10 वाले माइनस करने थे, अब इसमें से हम 385 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5 आ जाता है। यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6 बच जाएगा, तो 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा, और ये 2 2485 दोस्तों, जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम पूछा है दोस्तों, को प्राइम आपको पता होना चाहिए क्या संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको प्राइम पता होना चाहिए, प्राइम होती है दोस्तों अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या
कौन सी होंगी जिसका जिनके सिर्फ दो ही क्या होंगे फैक्टर होंगे, दो से ही वो डिवाइड हो सकती है, एक तो वन से और एक हो सकती है वो इट्सेल्फ यानी कि स्वयं से, खुद से। इसके अलावा अगर उनका इन दो से ज़्यादा यदि उसके तीन फैक्टर हुए यानी कि तीन से अगर वो डिवाइड होगी तो वो संख्या नहीं होगी, यदि वो दो से कम होगी यानी कि उसकी एक ही संख्या होगी तो भी वो नहीं होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इनका एग्जांपल लेते हैं, इनमें से प्राइम कौन सी है, 5 प्राइम है क्योंकि सिर्फ एक और 5 से डिवाइड होती है, तो दो इसके क्या हो गए, दो फैक्टर हो गए। 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, दो से ज़्यादा हो गए 3 हो गए, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि ये प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके दो ही हमें चाहिए थे। 3 का 1 और 3 दो मिलते हैं, ठीक है प्राइम है। 2, 1 और 2 दो मिल गए, प्राइम है। 1 1 पे जाता है और स्वयं पे जाएगा तो वो भी 1 ही होगा, यानी किसका फैक्टर होगा, केवल 1, तो ये भी प्राइम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, प्राइम के लिए हमें दो फैक्टर चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, एक एक और एक इट्सेल्फ। अब दोस्तों को प्राइम की बात आती है, तो को प्राइम कौन से होते हैं जिनका ऐसे दो संख्याएं जिनका जो कॉमन जो फैक्टर आएगा वो ओनली 1 हो और कोई ना हो, जैसे 7 और 49 एक पे दोनों कट सकते हैं, 7 पे कट सकते हैं, और यानी कि क्या हो गया इनके दो फैक्टर हो गए तो को प्राइम नहीं होगी। 17, 25 तो 17 और 25 में दोस्तों आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी मेरे हिसाब से कि जो 17 और 25 को काट सके, तो ओनली 1 का फैक्टर है। 8 और 52 एक से जा सकती है, 2 पे भी जा सकती है, 4 पे भी जा सकता है, तो को प्राइम नहीं है। 13 और 91 दोस्तों 1 पे जा सकती है, 13 पे जा सकता है, तो को प्राइम नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है। 12 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 12। इफ़ 1 टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब देखिए प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो नंबर ऑफ इवेंट है उनको हम ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ इवेंट, और टोटल जो इवेंट होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट होते हैं उनको नीचे लिखते हैं, और फेवरेबल जो इवेंट होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो देखिए हमारे टोटल तो नंबर कितने हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है 1 से 12 है, तो 12 हमारे टोटल इवेंट हो जाएंगे, उनमें से जो फेवरेबल जो हो सकते हैं वो क्या क्या इवेंट है दोस्तों, उन्हें पूछा कि 2 या 3 के गुणज हो, तो 2 या 3 का गुणज क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 नहीं होता, 12 होता है, इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 हो गए, 4 पे ये डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 99 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पेडागोजी का क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ्स के लिए जो पेडागोजी होती है, तो गणित की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज़, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लॉजिकल ही होता है मैथ, उसमें लॉजिकल सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपये में बेचा। रमेश सोल्ड 2 मोटरसाइकिल फॉर रुपीज़ 54,500 ईच, ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन 1 मोटरसाइकिल एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 8% ऑन अदर मोटरसाइकिल, देन हिज नेट लॉस और प्रॉफिट इन दिस डील। हमेशा आप एक फॉर्मूला याद रखोगे ऐसे में, जब उतना ही तो उसको लॉस होता है, उतना ही परसेंट उसको हानि होती है, तो नेट लाभ या हानि के लिए आप हमेशा याद रखें तो कि नेट उसको हमेशा लॉस होगा, यहाँ से हानि अथवा लाभ जब पूछे ना, तो नेट तो उसको हानि ही होगी ऐसे क्वेश्चन में, जब उसको पता है कि एक इसमें एक में इतने में बेचा उसको, कि 54,500 में बेचा एक को, दोनों में से प्रत्येक को इतने बेचा, तो उसको 8% क्या हुआ, लाभ भी हुआ, 8% हानि भी हुई, एक पे लाभ हो गया, एक पे हानि होगी, तो नेट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हानि ही होगी,
और इसका फॉर्मूला क्या था, हानि कितनी होगी, तो जो एक्स जो परसेंटेज दिया गया इसका स्क्वेयर अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं आप, 8 का स्क्वेयर कर दो अपॉन में 100 कर दो, इक्वल टू 8 का स्क्वेयर 64 अपॉन में 100, तो ये क्या आ जाएगा 0.64। तो 0.64% कहाँ पे है, 0.64 प्रॉफिट नहीं, 0.64% लॉस। तो 101 का क्या हो गया, फोर्थ हो गया 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज़ 150, देन द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। देखिए आप हमेशा देख सकते हो कोई भी पॉलीगन है ना ऐसे करके, तो जो ये साइड होती है ना ऐसे करके जो हमने आगे बढ़ा दी, ये यहाँ पे जो एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा दोस्तों ये जो सीधी रेखा होती है ये क्या होती है 150। अगर ये है 150 अंदर, तो 180 माइनस 150 करेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे करके जितने भी ये बाहर एंगल निकलते हैं ना, ऐसे करके जितने भी बाहर एंगल निकलेंगे, चाहे वो कितनी भी भुजाएँ हो, 10 भुजाएँ हों, 5 भुजाएँ हों, 15 भुजाएँ हों, 20 भुजाएँ हों, तो इन बाहर के जो जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग होगा 360। ठीक है, इनका योग कितना होगा 360 होगा। तो 360 होगा, तो देखिए अब आपके पास क्या है कि कोण है 150, इंटीरियर कोण है 150, और 150 के बाहर कितना हो गया ये 30 हो गया। अब देखिए पूरा तो जो योग है इनका बाहर वालों का कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी भुजाएं हैं। अभी हम 360 को अगर 30 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। तो भुजाई कितनी होगी, 12 भुजाई हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। 103 का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। इंग्लिश में देख सकते हो, ए कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 25 डेज वेयर एज बी कैन फिनिश दैट टास्क इन 15 डेज, ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क फॉर 5 डेज एंड देन ए लीव्स द टास्क, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सबसे पहले आप देखिए कि ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है पूरा, 25 दिन में, जबकि बी उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है। हम इसका लेते हैं एलसीएम, 25 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 75। अब देखिए ये है कि ए और बी कितने दिन में कार्य करता है, ये पूरा कार्य को 25 दिन में, टोटल वर्क को करने में कितना समय लेता है, 25 दिन 15 दिन। ये जो एलसीएम आता है ये हमारा होता है टोटल वर्क, ये टोटल डेज लिए इसने कि भी टोटल डेज कितने दिन लिए, ये टोटल वर्क आता है जब हम एलसीएम निकाल देते हैं। और फिर देखिए 75 को 25 से डिवाइड करो 3, 75 को 15 से डिवाइड करो तो 6, ये आ गई इनकी इफ़िशियंसी, एक दिन का काम। अब इसने कहा कि दोनों ने 5 दिन कार्य किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करते हैं, 3 ये करेगा 6 ये करेगा, 9 हो गया, 5 दिन उन्होंने कार्य किया तो 9 × 5 = 45, यानी कि 45 कार्य उन्होंने कर दिया 5 दिन में, शेष कार्य रह गया 30। अब शेष कार्य को किसने करना है, शेष रहे कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लेगा, बी एक दिन में 6 कार्य करता है तो डिवाइड करेंगे तो 5 दिन में वो पूरा कार्य कर देगा। तो दोस्तों बी को शेष रहे कार्य को करने में बी को कितना समय लगा, सॉरी यहाँ पे हमसे मिस्टेक क्या हुई है, देखिए हमसे मिस्टेक हुई है, 75 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 ना आके 5 आना चाहिए, और ये टोटल 8 काम करेंगे एक दिन में, तो एक दिन में अगर 8 काम करेंगे तो 5 दिन में कितना करेंगे, 8 × 5 = 40 कर देंगे, ये 40 कार्य कर देंगे, तो हम 45 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 45 की जगह हमें लिखना पड़ेगा कि ये 40 कार्य कर देंगे। अब 5 देखिए यहाँ पे आ गया 5, 7 − 4 = 35। अब बी क्या करता है, एक दिन में 5 काम करता है, हमने 6 लिख दिया था ना यहाँ पे बाई मिस्टेक, तो
तो हमने क्या रखना है अब कि 6 नहीं करेगा वो 5 करेगा। तो अब बी बचे हुए कार्य को एक दिन में अगर 5 कार्य करता है तो 7 आंसर आ जाएगा हमारा, वो बचे हुए कार्य को 7 दिन में कर देगा। ऐसे देखिए फ्लो फ्लो में जो मैंने मिस्टेक की है दोस्तों, ऐसे एग्ज़ाम में बहुत बार होता है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस की तो इन मिस्टेक से आप बच सकते हो, क्योंकि 75 से डिवाइड करोगे, जब 75 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15×5=75 होता है ना कि 15×6, इसलिए ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। और देखिए जब ऐसी गलती होती है ना, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता 6 कहीं पे, सॉरी ऑप्शन मिल जाता अगर 30 बचता 5 अगर ऑप्शन मिल जाता तो हम आंसर करेक्ट करके आ जाते, लेकिन वो हमारा गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 105 में क्या है, 13 परिणामों का औसत 65 है, यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 हो तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 हो, तो 7वां परिणाम क्या होगा। देखिए आपको इसमें करना क्या होता है, आप सबसे पहले कीजिए 13 जो परिणाम है उनका औसत कितना है 65। अब देखिए यहाँ पे जो पहले 7 हैं, पहले जो 7 हैं उनका औसत कितना है 62, फिर नेक्स्ट जो सात है उनका औसत है 67। अब एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 65 उन सभी का 13 के 13 का औसत है, 7 और 7 ये 14 हो जाती है, यानी कि एक संख्या ऐसी है जो ओवरलैप किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ओवरलैप कर रखा है ना संख्या ने, इसको हमने देखना है कि इसमें कितना एक्स्ट्रा गया हुआ है ओवरलैपिंग में। तो अगर 7 के 7 का 62 है तो दोस्तों देखिए एक संख्या में कितने का फर्क पड़ रहा है, 65 में -3 हो रहा है, और यहाँ पे 67 है तो 65 में कितना हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। अब 7 में +2 हो रहा है तो 7 में कितना होगा, इंटू सेवन कर देंगे, ये कितना हो गया +14। अब यहाँ पे देखिए × 7 करेंगे तो -21। अभी देख सकते हो आप आसानी से कि -21 और +14 में कितना अंतर आ गया, -7 का अंतर आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 65 तो है औसत उनका, और यहाँ पे एक संख्या जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, इसकी वजह से -7। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब सात इधर 14 एक संख्या ओवरलैप हो जाती है, तो यहाँ पे जो -7 आता है ना, इसको हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो 65 +-7 जोड़ देंगे, मतलब प्लस माइनस जब का होगा तो माइनस ही, लेकिन क्या करते हैं -7 को जोड़ेंगे तो -7 ही आएगा, और 65 -7 क्या आएगा 58 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये आसानी से आ सकते हैं, पहली बार जब इस मेथड को आप सीखोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, लेकिन 1-2 बार करके देखो, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो, दिमाग में सोच के देखो कि 7 इधर है 7 इधर है, 14 संख्या होगी, संख्या हमारे पास 13 थी, जब माइनस आएगा तो हम इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा नेट तो इसका कम ही आएगा यहाँ से, लेकिन जब प्लस आता है यहाँ पर, अगर प्लस आ जाता बाई चांस तो फिर इसको माइनस कर देते 65 से। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 60 और 48 है, तो बंटन का बहुलक इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 और 48 रिस्पेक्टिवली, देन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी नोट कर सकते हैं कि 3 × मीन एक मिनट देखिए 3 × मीडियन -2 × मीन ये इक्वल होता है मोड के। अब ये फॉर्मूले में रख दो आप, आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मीन तो है 60, मीडियन है 48, मीडियन क्या है 48, तो 3 × 48 -2 × 60 8 24
2 4 12 2 14 120, 144 में से 120 गया, 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कई बार ये दे देता है और ये देता है, ये पूछ लेता है, या ये और ये दे देगा ये पूछ लेगा। तो फॉर्मूला अगर नहीं आपको याद तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई क्या होगी, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर। हमेशा दो फॉर्मूले याद रखेंगे, √3/4a² ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और √3/2a। देखिए यहाँ से 2 हटा दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया एक प्रकार से, ठीक है, इसको कैसे भी आप याद कर सकते हो। ये होती है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हाइट निकालनी है तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 है, तो यहाँ पे से कट जाएगा 3 पे, 3√3। 3√3 कहाँ पे है दोस्तों, ये रहा 3√3, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंजीनियर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे में क्या करना है, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास टोटल अक्षर है इसमें, 8 लेटर है, तो इसको 8 फैक्टोरियल हम लिखेंगे अपॉन में। अब देखना आपने रिपीट कितने हो रहे हैं, ई रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। फिर एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, इंटू में 2 फैक्टोरियल। और कोई है जो रिपीट हो रहा है, और कोई नहीं है, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब अपॉन में। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1। अब देखिए आप 3 × 2 से तो 3 × 2 का कैंसिल कर दो, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो 2 पे, और बाकी बचे जो उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा देखिए, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 6 = 60 हो जाएगा, 60 × 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 6 = 42, 420, और उसको 8 × 8 = 0, 8 × 2 = 16, 1 × 8 = 32, 33, तो 3360 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल्स इज 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इज। आप देख सकते हो जैसे कि आप ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले आप, ठीक है, ऐसे में आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल के सभी जो एंगल होते हैं उनका सम आपको पता है कि होता है 180 डिग्री। अब देखिए इसने बोला है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 डिग्री, वन एंगल इज 50 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ पे लिख लो आप, ये x है ये y है। अब इसने क्या बोला कि x माइनस जो y है ना ये 30 डिग्री है, इनका अंतर 30 डिग्री है। यदि ये 50 है दोस्तों, अगर डिफरेंस तो इसने दे दिया, तो x प्लस y कितना होगा फिर, क्योंकि ये 50 है, 180 में से अगर 50 घटाओगे आप तो आता है 130, यानी कि सम तो इसका है 130 और डिफरेंस है 30। देखो अगर जोड़ोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 80। अगर x 80 है तो माइनस 80 में से कितना घटाएगी, 30 आ जाए, 50 घटाना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 50। तो उसने पूछा था वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल 50 हो जाएगा। इसको आप वैसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कॉमन सेंस से, कि एक अगर 50 है तो बचे हुए जो कोण है वो उनका सम होगा 130, तो दोनों में से छोटा कोण कितना होगा जिसमें से कि उनका अंतर 30 का है। तो यदि हम एक ले 40, तो उसमें 30 प्लस करें तो 70, क्या इनका योग 130 आता है, नहीं। एक अगर हम 80 लें तो उसका हमने 30 या तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो प्लस करके तो नहीं होगा, माइनस करेंगे 50 हो जाएगा। तो 50 और 80 का कॉलम क्या बनता है, पेयर बनता है 50 + 80 का, ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसने अगर बड़ा पूछा होता तो इसने पूछा छोटा कोण कितना होगा, 50 ही होगा। 60 देखते हैं, 60 + 30 या 60 - 30 करें तो 30 आएगा, तो 90 और प्लस 60 ये 150 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं,
इन ऑफिस 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉई आर फीमेल। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको मान लेना है कि टोटल जो एम्प्लॉई है वो आपके पास है 100, कितने 100। अब 100 में से उसने बोला है कि 3/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉई और फीमेल, 3/5 फीमेल है तो फीमेल कितनी होगी 60 हो गई, और बाकी के कितने हैं मेल्स हैं तो मेल्स बच गए 40। इसने बोला इफ़ 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल एंड 1/4 पार्ट ऑफ मेल्स आर अबसेंट, 2/9 पार्ट ऑफ फीमेल इंटू 60 प्लस 1/4 ऑफ मेल्स आर अबसेंट, यानी कि ये तो हो गया 10, ये कितना हो गया 120/9 प्लस में कितना हो जाएगा 10, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों अबसेंट हैं। इसको देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इसने कहा कि ये सारे के सारे अबसेंट हैं, अगर ये अबसेंट है दोस्तों फिर उसने सॉरी पूछा क्या है तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, इसने पूछा कि इस कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, तो ऐसे में क्या करेंगे ये अनुपस्थित है पहले तो इनको हम जोड़ी लेंगे, तो 9 नीचे आ जाएगा 120 ऐसे कैसे प्लस 199 9 10 90 0 9 1 9 2 11 और 1 1 2 210/9 हो जाएगा। अब टोटल एम्प्लॉई हमारे पास दोस्तों कितने हैं 100 है टोटल एम्प्लॉई, तो इसने पूछा है कि टोटल एम्प्लॉई का कितना जो भाग है वो एब्सेंट है, तो यहाँ पे लिखिए आप 210/9 ये टोटल एम्प्लॉई का है अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, 100/1 आप लिख सकते हो एक प्रकार से, तो ये क्या होगा 210/9 गुणा में एक जो होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है ये इसके साथ, तो क्या होगा 1/100 ये हो जाएगा 210/900, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 पे काटेंगे 3 7 21 3 पे काटेंगे 30 7/30 तो 7/30 इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियाँ बनाई जाती है, छोटी गोलियों की संख्या, ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि इसका वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अभी जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम देखिए हम क्या निकालेंगे 4/3 × π, जब भी हमें ये बताना होगा कि पिघलाकर छोटी गोलियाँ बनाई गई तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा आगे, आर की क्यूब कितना है आर इसकी 9 है तो 9 की क्यूब हो जाएगा, और इसको इक्वल रखो एन, एन क्या छोटी गोलियों की संख्या है ये, और छोटी गोलियों का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 × π, जो त्रिज्या कितनी है दोस्तों यहाँ पर 0.6 यानी कि 6/10 और इसकी क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 × π × 9³ इक्वल टू एन इंटू 4/3 × π और इंटू 6/10 और इस पूरे का क्यूब, यहाँ से देखिए 4/3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 9³ जो कि बराबर होगा किसके n इंटू 6/10³। इसको आप क्या करोगे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर देखिए 9 × 9 × 9 अपॉन में जो 10 है वो कहाँ पे चला जाएगा 10 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 10 × 10 × 10 और अपॉन में क्या चल जाएगा ये 6 ऊपर है तो 6 आ जाएगा नीचे 6 × 6 × 6। तो दो पे देखिए काटोगे तो आप 2 × 6 2 × 6 2 × 6 मल्टीप्लाई में 2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5 फिर 3 पे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 5 × 15 × 5 × 15 × 5 × 15 और 15 की क्यूब क्या होती है 3375 होती है दोस्तों, तो आपको 1 से लेकर 20 तक की क्यूब भी आपने याद करनी होती है, 1 से लेकर 20 तक की क्यूब याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, अगर नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर उससे बचना है तो आप याद कर लो वो बेटर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्तय और लघुत्तम समापवर्त्तय का योग 504 है तथा लघुत्तम समापवर्त्तय महत्तम समापवर्त्तय का 55 गुना है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 504। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप लीजिए कि जो HCF है, HCF उसको मान लो आप X। इसने क्या बोला है कि दो संख्याओं के महत्व समापवर्त्तक और लघुत्तम योग तो 504 है तथा लघुत्तम समापवर्त्तक महत्व समापवर्त्तक का 55 गुना है। तो सबसे पहले HCF मानना X, तो LCM ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 55x हो गया क्योंकि LCM इसका HCF का 55 गुना है। फिर इसने ये दिया है ये कंडीशन कि HCF प्लस LCM 504 है, तो x प्लस 55x बराबर 504 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 56x बराबर 504, x बराबर 504 बटे 56, तो आई थिंक 9 पे पूरा पूरा कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 9। अब यहाँ पे x ये हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 9, और LCM क्या हो जाएगा 9 इंटू 55, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 49, यानी कि 9 और ये 495। अब इसने बोलना है कि एक संख्या 99 है, आपको पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा होता है। तो HCF में देखिए क्या लिखेंगे आप, 9 495 बराबर 99 इंटू में जेड, जो सेकेंड नंबर मानने हमें निकालना है। तो 9 पे यहाँ पे क्या आएगा, 11 पे कट जाएगा, 11 99, 11 पे यहाँ पे करेंगे तो 11 चौके 44 और 11 पंजे 55, 45 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैली में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6, 7, 15 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या है। ऐसे में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 6 सिक्के जो है वो 2 रुपये के हैं, तो ऐसे में 6 × 12 तो दोस्तों ये हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि कितने इसमें सिक्के हैं, 6 के अनुपात में हैं, लेकिन 2 रुपये के हैं तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 12x लिखेंगे हम टोटल। फिर देखिए 7 जो सिक्के वो 1 रुपये के हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी, और 15 जो है वो 50 पैसे के हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 7.5। लेकिन इन सभी के साथ क्या है, x है, क्योंकि इनके हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि ये कितने कितने सिक्के हैं, ये अनुपात में है। अब इनकी वैल्यू हो जाएगी ये, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे 12x प्लस 7x प्लस 7.5x, ये जो टोटल वैल्यू होगी ये है 1590। जोड़ दो इनको 12 और 7 19, 19 और 7 26.5x बराबर है 1590 के। एक्स बराबर हो जाएगा 1590 बटे 26, जो 0.5 है इसका 10 ऊपर हम रख देंगे, 265 यहाँ आ जाएगा। 5 पे डिवाइड हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 53 पे 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगी 0 और 30 × 2 हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि x की वैल्यू होगी 60। अगर x की वैल्यू 60 है दोस्तों, तो इसने पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इंटू में 7 इंटू एक्स था तो 60 कर देंगे, 7 × 6 = 42, 420 जो है वो आ जाएगी दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:9 था, 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:5 होगा, सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम कि देखिए रमेश अपन सुरेश अनुपात कितना था, 5/9, कब था दोस्तों ये, 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 तो पहले, तो ये 3 पूरे होंगे वर्तमान में आएंगे, फिर उसके 5 वर्ष पश्चात, फिर 5 और जोड़ दो, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3/5 का हो जाएगा, यानी कि, और यहाँ पे देखें x यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये अनुपात है, हमें पता नहीं एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो 5x/9x जमा में 5 × 3 = 8 जमा में 8 बराबर हो जाएगा 3/5 के। तो क्या होगा दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25x जमा 5 × 8 = 40 बराबर है 9 × 3 = 27x 8 × 3 = 24। तो क्या होगा, 25x और 27x, इसको हम उधर लेके जाएंगे x वालों को, इनको इधर लेके आएंगे, तो जब x वालों को इधर लेके जाएंगे तो 27 में से 25 गए बचेंगे 2x बराबर है, 40 में से 24 गए तो 16,
यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट के 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 8 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप 5x और 9x थे, तो R और S, इसने पूछा सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की पूछा है, तो सुरेश का अनुपात था 9x, यानी कि 9x की वैल्यू 8 है, 9 8 72 हो जाएगा। इसने पूछा था सुरेश की वर्तमान आयु, तो ये अनुपात था 3 वर्ष पहले, ये अनुपात था 3 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और +3 करके 75 इसको राइट आंसर हम देंगे। फर्स्ट 114 का पहला, नेक्स्ट देखिए 115, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तो जब हम निकालते हैं x प्लस 1/x और इनका जब स्क्वेयर होता है दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है, n का स्क्वेयर -2। जब हम निकालते हैं x की 4 प्लस 1/x की 4, तो फॉर्मूला होता है n का स्क्वेयर -2 तो है ही है, फिर इसका स्क्वेयर -2 कर देते हैं हम, तो ये जो 2 का जब पावर स्क्वेयर में होती है और 4 में होती है, तो ये फॉर्मूले मैंने दो यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप कर लेना। 3 के और 5 के फॉर्मूले कभी क्वेश्चन बाद में आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स 4 है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 पूछा है, तो दोस्तों क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला 4 का स्क्वेयर करेंगे पहले, -2 करेंगे, फिर उसका स्क्वेयर करेंगे, -2 करेंगे, 4 का स्क्वेयर 16 -2 14, फिर इसका स्क्वेयर -2, 196 -2 हो जाएगा 194, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116, इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखिए CDP अगर आपने पेडागोजी अगर आपने पढ़ी होगी मैथ्स की, तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हो, नीड्स मोर लेबर एफर्ट टू एसेस, आकलन के लिए अधिक मेहनत या प्रयास की आवश्यकता, ये जो है इसकी परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो, अब पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनसे कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 15, 25, 40 और 75 इनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों, हम निकाल लेंगे इनका LCM, 5 पे करेंगे डिवाइड, थ्री 5, 8, 15, फिर कर लेंगे दोस्तों हम 5 पे 3, 1, 8, 3, फिर कर लेंगे 3 पे 1, 1, 8, 1, अब इनको आप कीजिए मल्टीप्लाई, 5 × 8 कर दो, कोशिश कीजिए कि जीरो वाला पहले आ जाए, फिर आसानी रह जाती है, 8 × 5 = 40 मल्टीप्लाई 5 × 3 = 15 और 15 × 4 हो जाता है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। अब दोस्तों 600 तो 3 अक्षर की है, 3 डिजिट है इसमें, इसने पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखिए यहाँ पे 600 है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा 600 का ही, अब 94 600 का मल्टीप्लाई है क्या, मल्टीपल है क्या, नहीं, 99 है क्या, नहीं, 96 है, यस, 98 है क्या, नहीं, तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, आगे कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इसको मल्टीप्लाई करो बार बार 400 की संख्या तक, इनमें ही आप देख लो कि 600 से कौन सी डिवाइड है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √5x − 3 = √5 + 2 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कैसे ज्ञात कीजिएंगे, रूट जो 5x है माइनस 3 = √5 + 2, तो आप क्या करोगे देखिए,
रूट फाइव एक्स, देखिए रूट फाइव है जो एक्स पी नहीं है, रूट फाइव अलग है, इक्वल टू थ्री रूट फाइव प्लस टू, ये माइनस थ्री है इधर आगे, प्लस का थ्री हो जाएगा, तो रूट फाइव एक्स बराबर है थ्री रूट फाइव प्लस फाइव, एक्स को इधर छोड़ देंगे, थ्री रूट फाइव प्लस फाइव अपॉन में रूट फाइव आ गया नीचे। जब भी ऐसा होता है प्लस होता है और नीचे एक होता है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, थ्री रूट फाइव अपॉन में रूट फाइव प्लस फाइव अपॉन में रूट फाइव, ये रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल आउट, और फाइव अपॉन रूट फाइव तो रूट फाइव आएगा ऊपर, तो इनकी थ्री प्लस रूट फाइव आ जाएगा आंसर, थ्री प्लस रूट फाइव 118 का पहला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 65% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम, इफ ही स्कोर्ड 78%, 70%, 62% एंड 65% इन फोर सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स, देन व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट। देखिए टोटल ओवरऑल 65% है, एक में उसने लिए हैं 78, एक में लिए 70, एक में लिए 62, एक में लिए 65। अब उसने कहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द फिफ्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट में क्या आएगा, कितनी परसेंटेज आएगी फिफ्थ सब्जेक्ट में। देखिए जब ये मानते हैं ना कि भी टोटल उसने 65% एवरेज स्कोर किया है, तो दोस्तों ये क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में 65। अब इस सब्जेक्ट में क्या किया उसने, एक सब्जेक्ट में ले लिया उसने प्लस 13, एक सब्जेक्ट में लिए उसने प्लस 5, एक में लिए उसने दोस्तों माइनस 3, एक में लिए उसने 0 क्योंकि एज इट इज़ है। तो अब देखिए आपने प्लस वाले कितने हैं, प्लस के 18 हो जाते हैं, माइनस वाले कितने हैं, माइनस के 3, तो यानी कि उसने ओवरऑल क्या किया प्लस 15, इन चार सब्जेक्ट में उसके प्लस 15 ज़्यादा है, यानी कि 15% उसने ज़्यादा ले लिए। अगर 50% इन चार में ही ज़्यादा है, तो जो पांचवा सब्जेक्ट होगा उसमें 15% 65 से कम होंगे, यानी कि 65 माइनस जब 15 करेंगे तो 50 आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 50%, 119 का तीसरा, 120। पांच बच्चे जो प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में पैदा हुए कि आयु का योग 55 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। देखिए पहला जो बच्चा है मान लेते हैं हम, उसकी आयु कितनी है दोस्तों, एक्स है। दूसरा जो बच्चा है दोस्तों उसकी आयु कितनी होगी, फिर x प्लस 4 होगी। तीसरे बच्चे की आयु x प्लस 8, चौथे बच्चे की x प्लस 12, पांचवे बच्चे की x प्लस 16। तो पांच ही बच्चे हैं। अब इन सभी की आयु को अगर हम जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें सभी की आयु को, तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस 8 और 4, 12, 12 और 12, 24, 24 और 16, 40। तो दोस्तों देखिए 5x प्लस 40 ये बराबर किसके होगा, उनका सम है 55। 5x इक्वल टू कितना होगा, 55 माइनस 40 15, x इक्वल टू 3, डिवाइड करेंगे तो 3। अब उसकी x की वैल्यू है 3, उसने पूछा कि सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे बड़ा बच्चा है ये x प्लस जो 16 है, ये सबसे बड़ा बच्चा है, यानी कि 3 प्लस 16 हो जाएगा 19, 19 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको JBT के एग्ज़ाम में मिलेंगे, HTET PRT के एग्ज़ाम में मिलेंगे, और कुछ हद तक TGT के एग्ज़ाम में मिलेंगे। PGT का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, तो और न्यू CET जो होगा उसके लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे, तो इनको आप अच्छे से कीजिए। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है वो क्लियर हो सके, और आपकी अगर कोई एडवाइस है, सजेशन है, तो वो भी आप वहाँ पे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि और क्या सजेशन आपकी है, और क्या क्या सब्जेक्ट की और आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई अगर मिस्टेक हो रही है चैनल में वीडियोज़ में, तो आप वो भी बता सकते हो कि क्या क्या इसमें मिस्टेक चल रही है, क्या मुझे सुधार करने की आवश्यकता है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल जितने बच्चों तक पहुँचेगा दोस्तों उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपके लिए अच्छा लेके आऊँगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो की एंड करते हैं, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।